फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे, जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्प्रेड ब्रिज, जिसके पिलर आपको सामने दिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पियर जो है दूसरे टाइप के हैं, और जो सामने दिख रहे हैं पियर वो दूसरे टाइप के हैं। तो वो हैं कैप्सूल टाइप के पियर, क्योंकि वहाँ पे है नदी। आप जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये है कटनी ब्रिज, इसके बगल में बना हुआ है। और कैसोल टाइप का पियर इसलिए है कि यहाँ पे है नदी और यहाँ पे पाइलिंग भी ज़्यादा हुई है। ये नॉर्मल पियर हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये नॉर्मल पियर है। इसमें चार या छः पाइलिंग होती है, लेकिन जो नदी पे या कहीं ये लंबा गैप हुआ वहाँ पे कैसोल टाइप के पियर का यूज़ किया जाता है। कैसोल टाइप के पियर को यूज करने पे कम से कम 8 से 15, 16 या उससे ज़्यादा भी पाइलिंग की जाती है। यह है पियर और पियर कैप। यहाँ पे पियर और पियर कैप रेडी हो चुके हैं। इसके नीचे है पाइल कैप और पाइलिंग। ये हैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे, अभी हम मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के कैलवाड़ा गाँव में। फ्रेंड, ये बन के तैयार हो जाएगा दिसंबर 2024 में। इस प्रोजेक्ट का अभी जिक्र गूगल पे नहीं है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जब बन के तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे सप्तर ब्रिज कहलाएगा, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई जो है करीब 35 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें से कुछ रिटर्निंग माल भी है और कुछ नॉर्मल ट्रैक भी है, जो इसकी टोटल लंबाई 35 किलोमीटर लगभग होने वाली है। ये अप एवं डाउन लाइन दोनों मिला के होने वाली है। मध्य प्रदेश के छलवाड़ा, जो मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले का जो छलवाड़ा स्टेशन है, उससे लेके मझगवां स्टेशन के बीच रेलवे सेपरेट ब्रिज बन रहा है। ये अप लाइन एवं डाउन लाइन दोनों साइड से बन रहा है। ये है अपना पुराना ट्रैक जो दिख रहा है, पुराना ट्रैक से दोनों साइड बन रहा है। जैसा कि आप वो सामने क्रेन देख पा रहे होंगे, वो जहाँ क्रेन लगा हुआ है, और जस्ट इसके उस साइड है अभी उसका पाइलिंग का काम चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे रिंग मशीन और क्रेन लगी हुई है, कुछ अभी पाइलिंग का काम बाकी है, पाइलिंग का काम कंप्लीट हो रहा है। फ्रेंड, ये जो मेन ट्रैक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेन ट्रैक है। मेन ट्रैक के दोनों साइड अप एवं डाउन लाइन ब्रिज बन रहा है, जिसकी टोटल लंबाई वही 35 किलोमीटर लगभग होने वाली है। फ्रेंड, अप लाइन बन के पहले कंप्लीट हो जाएगा, डाउन लाइन का भी काम लगभग 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अप लाइन में अरेक्शन भी चालू हो चुका है। जिस फ्रेंड को जॉब वगैरह की भी ज़रूरत हो तो वो आ सकता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी करीब 2 साल चलेगा। किसी भी फ्रेंड को जॉब की ज़रूरत हो तो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में। जो इसका ठेके में काम कर रही है उसका L&T कंपनी नाम है। L&T कंपनी की के अंदर है L&T जो स्ट्रक्चर, और जिसका मेन क्लाइंट है इरकॉन। फ्रेंड, हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन दोस्तों को जॉब की ज़रूरत हो उनको शेयर करिएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं टेक से संबंधित। तो आप को अगर चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो पे।